लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट के मन में एक सवाल अक्सर होता है कि जुडिशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। चलिए जानते हैं आपका सॉल्यूशन सीधे सीधे यस या नो में नहीं होना चाहिए, इससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। किसी भी जुडिशियल प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में रखकर सॉल्व किया जाना चाहिए। पहले पैराग्राफ में दिए गए प्रॉब्लम से जुड़े एक्ट और सेक्शन का ब्यौरा दिया जाए। दूसरे पैराग्राफ में केस का संक्षिप्त विवरण लिखिए और तीसरे पैराग्राफ में आपकी लीगल एडवाइस यानी कि एक्चुअल आंसर लिखा जा सकता है। अगर आप कोई लीगल केस का एग्जाम्पल सेट कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए अब नीचे दिए गए जुडिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। अरविंद नाम का एक माइनर जिसका एक दुर्घटना में सीधा हाथ टूट जाता है और एक डॉक्टर इलाज करके उसका हाथ सही कर देता है। अब क्या डॉक्टर अपनी सेवाओं के बदले 1,000 रुपये का क्लेम उस माइनर से प्राप्त कर सकता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह लिखा जा सकता है। पैराग्राफ नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के मुताबिक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माना गया है। माइनर के साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वाइट एब इनिशियो होता है और उसे अपने किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 68 के मुताबिक अगर किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई की जाए तो माइनर की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा निकालकर लीगल क्लेम की भरपाई की जा सकती है। पैराग्राफ नंबर 2, मौजूदा केस में उस डॉक्टर ने माइनर का इलाज किया था जो उसकी जिंदगी के लिए उस वक्त बहुत जरूरी था। पैराग्राफ नंबर 3, नेसेसरी सप्लाई के चलते माइनर की प्रॉपर्टी में से डॉक्टर के क्लेम की भरपाई की जा सकती है। इसी तरह का केस रॉबर्ट वर्सेस ग्रे के बीच भी हुआ था जिसमें एक एक्सपर्ट बिलियर्ड प्लेयर ने नेसेसरी सप्लाई करते हुए एक माइनर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाई थी। याद रखिए, अगर आपको सेक्शन का पता नहीं है तो सेक्शन मत लिखिए, पर एक्ट तो आप लिख ही सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस तरह से शुरुआत कीजिए। लीगल एडवाइस थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में भी आप दे सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कंफर्म कहिए, वरना ऐसा होना चाहिए नहीं वैसा होना चाहिए, इस अंदाज में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन 3 पैराग्राफ जरूर बनाइए। एक और जरूरी बात, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।